जय माता दी। दोस्तों इस बार धनतेरस का महापर्व दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, यानी कि दीपावली से दो दिन पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का अर्थ ही धन से जुड़ा हुआ होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से और कुछ खास चीजें अपने घर में लाने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा मंत्र भी बताएंगे जिसके माध्यम से आपकी सभी परेशानियों को आप जड़ से खत्म कर देंगे। दोस्तों, वैसे तो इस दिन कुबेर देव के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता एवं धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। दोस्तों, मान्यता है कि इन पांच महापर्वों में धन की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर देव धरती पर विचरण करते हैं और उन व्यक्तियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि इस समय पे पूजन अर्चन करते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित ही ये खास मंत्र आज आप सुन लें। माता लक्ष्मी का यह विशेष मंत्र श्री सूक्त से लिया गया है। श्री सूक्त का अर्थ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है। इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसका उच्चारण इन पांच दिनों में कभी भी कर दीजिएगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। दोस्तों, ये खास मंत्र आपको इस दिन बोलना है, यानी कि इन पांच दिनों में कभी भी, तभी आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। रातों रात चमत्कार अगर आपने नहीं देखा है अपने जीवन में, तो इस मंत्र के माध्यम से आपको यह चमत्कार दिखाई देगा। खासकर वैदिक ब्राह्मणों से किया गया अनुष्ठान से भी अधिक गुना फल देने वाला यह विशेष मंत्र आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। तो दोस्तों, अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।